हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू नोस ट्यूटोरियल आज आप लोगों को मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों के नाम और जो कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ में वो इस्टेब्लिश हैं उनके बारे में हम देखेंगे शॉर्टकट के जरिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा यूनेस्को जो है वो पेरिस में है वर्ल्ड बैंक कहाँ है वॉशिंगटन डी में है आप लोगों का आई एम है वाशिंगटन डी में है दोनों के दोनों ठीक है और डब्ल्यू एच ओ और डब्ल्यू टी ओ ये दोनों जेनेवा में हैं यूनिसेफ कहाँ है आप लोगों का न्यूयॉर्क में है नाटो कहाँ है बेल्जियम में है कॉमनवेल्थ लंदन में है आपका सार्क काठमांडो में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी आप लोगों का लंदन में है तो ये कुछ हैं जो बेसिक आप लोगों को पूछे जाते हैं उसके अलावा बहुत सारे हैं ऊपर अभी मैं आप लोगों को शॉर्टकट के जरिए बताऊंगा लेकिन कुछ जो ये चीज़ें हैं इनको मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोगों को याद रखना है कि जो बेल्जियम होते हैं वहाँ के लोग नाटे होते हैं नाटे का मतलब होता है छोटे ठीक है नाटे का मतलब छोटे सार्क कैसे याद रखना है कि सार्क कहाँ है तो जो सार्क का लास्ट में आप लोगों को काठमांडू याद रखना है तो का सी जो क लास्ट का साउंड आता है उसे आप लोगों को याद रखना है तो छोटे कहाँ के लोग होते हैं बेल्जियम के लोग होते हैं ठीक है तो बेल्जियम नाटो नाटे लोग बेल्जियम के ठीक है तो बेल्जियम के नाटे लोग इस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा सार्क काठमांडू सार्क काठमांडू जैसे आप हिंदी में लिखेंगे सार्क ठीक है तो इस तरह से लिखो सार्क और लास्ट में जो आ का गया काठमांडू ठीक है इस तरह से याद हो जाएगा आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जहाँ पे इस तरह से आएगा डब्ल्यू और ओ जो लास्ट में है आप लोगों का वो जेनेवा में है आप लोगों को इस तरह से याद रखना है कि डब्ल्यू क्या है आप लोगों का जेनिवा डब्ल्यू टी ओ जब मैंने इस तरह से याद किया था कि जो डब्ल्यू टी ओ तो लास्ट में अगर जेनेवा तो तो आपको क्या करना है इस तरह से लिखना है देखिए आप लिखेंगे जब भी आप जेनेवा लिखेंगे ठीक है तो जेनिवा के पीछे आप दो जीरो लगा देंगे ऐसे ओ ओ ठीक है लेकिन ओ ओ में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि यहाँ लिख लो डब्ल्यू इस तरह से तो ये बस एक तरह से एक ऑकवर्ड चीज़ हो जाएगी और आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि जब भी आप जेनेवा लिखेंगे तो आपने लोगों ने इस तरह से लिखना है डब्ल्यू की लिख लिया जीरो जीरो इस तरह से तो आप क्या सोच लीजिए कि अभी देख लेना आप लोग कि आप लोगों को ऑलरेडी याद होता है या नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है ठीक है और जो अब वर्ल्ड बैंक को आप लोग इस तरह से लिखेंगे वर्ल्ड बैंक की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक uh, कर देंगे आप जैसे वर्ल्ड लिख रहे हैं तो इस तरह से डब्ल्यू ए कर देंगे इसको वर्ल्ड बैंक लिख लेंगे इसको तो वर्ल्ड बैंक कहाँ है आप लोगों का वर्ल्ड बैंक आपका वाशिंगटन डीसी में है ये देख लीजिए आप ऊपर वाशिंगटन डीसी में ठीक है और अब देखते हैं नीचे दूसरी एक चीज़ और आप लोगों को दिमाग में बिठाने की जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं वाशिंगटन डी में है आगे चलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया और कॉमनवेल्थ ठीक है बाकी अगर आप किसी को भी देखेंगे बाकी जितने हैं आप लोगों के ये देखिए ऊपर से ठीक है नीचे तक यहाँ तक देखेंगे आप लोग सार्क तक तो ये कॉमनवेल्थ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ही ऐसे हैं कि जिनके लास्ट में आप लोगों को दिखेगा कि एल एल आ रहा है कॉमनवेल्थ और इंटरनेशनल तो ये मैंने लंदन में इस तरह से याद कर लिया था कि जो एल आ रहा है लास्ट में इस तरह से कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ इस तरह से एल और यहाँ पे इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल तो ये आपका एल से तो ये लंदन में आप हाँ लोगों के यू ठीक है तो देखिए इसको अगर आप बोलेंगे यहाँ पे आप लोगों का यू एन यू एन दो में आ रहा है आप लोगों का यू एन यू एन तो आप लोगों को क्या करना है कि लास्ट वाला देखना है यहाँ पे तो ये ओ आ गया ओ के बाद क्या आता है पी आता है तो ये पेरिस में आप लोगों का यूनेस्को कहाँ आपका पेरिस में है तो यू और यहाँ पे यूनी सेप में तो आप यूनी तो यू आ गया तो इसी का न्यू बना देंगे आप तो ये न्यूयॉर्क में है अब अगर आप लोग इसे थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ठीक है तो लेट्स सी कि कितना हमें याद हुआ है यहाँ पर बाकी चीज़ें अगर हम हटा देते हैं यहाँ से ठीक है तो आप लोग खुद से थोड़ा सा इसे ट्राई करेंगे ठीक है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं सारी चीज़ें हम लोग हल्का सा एक बार देख लेते हैं उसके बाद जो लिखे हुए शॉर्टकट्स हैं उनको अगर आप लोगों को याद करना है तो बाकी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी तो चलिए एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें कहाँ पर हैं अब आ, आगे है आपको यूनेस्को और यूनिसेफ है ठीक है तो मैंने कहा था यूनेस्को के लास्ट में क्या आ रहा है ओ आ रहा है और यूनिसेफ दोनों में यू एन यू एन है लेकिन आप लोगों को क्या करना है जो यूनेस्को है ओ वाले के बाद आपका पी में था तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो यूनेस्को है वो पेरिस में आप लोगों का यूनी ये न्यूयॉर्क में है आप लोगों का ठीक है नाटो नाटो कहाँ के लोग नाटो नाटे होते हैं बेल्जियम के लोग नाटे होते हैं आपके अब मैंने आप लोगों को कहा था कि जो डब्ल्यू टी ओ है और उसको हमें क्या करना है जो ओ ओ है जिसमें डब्ल्यू और ओ आ रहा है दोनों साथ में तो आपके कहाँ पर है जेनेवा में है उसके अलावा मैंने कहा था सार्क जब हमने सार्क लिखा था तो क्या किया था तो आप लोगों को क्या करना है कि फाइव मिनट लगभग इसको प्रैक्टिस कर लेना है सभी को ठीक है इसी तरह से सार्क कहाँ आप लोगों को काठमांडू में है एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ में एल आ रहा था लास्ट में तो ये कहाँ है आप लोगों के लंडन में है तो हो गया आप लोगों के सारे के सारे याद और जो पैसे वाले जो बातें थी वो थी आपके वॉशिंगटन डीसी अगर आपको कोई भी पैसे से रिलेटेड याद रखना है वॉशिंगटन डीसी आप लोगों को जाना है तो होपफुली कि इतने तो याद हो गए होंगे आप लोगों को ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये जो टेन है ये टेन आपको इस तरह से याद हो जाएंगे जब आप रीजनिंग लगाएंगे वहाँ पे कि अच्छा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हम याद कर रहे हैं अभी तक तो कई सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं लेकिन जब हम उसमें रीजनिंग से देखते हैं याद करने की रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो याद हो जाती चीज़ें तो होपफुली आप लोगों को याद हो गई होंगी सारी चीज़ें एक दो बार आप इन्हें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को रीजनिंग चीज़ें पता चल जाएंगी अब एक एक करके सारे जो अदर हैं उनको हम देख लेते हैं अब एक प्लेस और है आप लोगों का वो है आप लोगों का वियना। तो एक तो अपने दिमाग में कॉमन चीजें बिठा लीजिए कि जैसे पेरिस हो गया आप लोगों का वॉशिंगटन डीसी हो गया जेनेवा हो गया लंदन हो गया वियना हो गया यही ये, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं तो आप वियना वाले को कैसे याद करना है कि वियना में जो स्थित हैं वो तो हमें पता है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वहाँ पे है जिसे कि ओपेक कहा जाता है ठीक है दूसरा है आप लोगों का आई ए ई ए, -ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ठीक है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो वहीं पर है तो अगर अब हम इसका शॉर्टकट ट्रिक देखें तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है वियना पेट्रोल परमाणु ऊर्जा उद्योगों का विकास कर रहा है ठीक है तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है इसको वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है कहाँ होता है वियना में अब देखिए वियना में जो है पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से किसका विकास होता है उद्योगों का तो तीनों आप लोगों को याद हो जाएंगे पेट्रोल से रिलेटेड ओपेक जो है वो यहाँ पर है वियना में और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो है वो भी वहीं पर है वियना में और यूनिडो जो है वो भी क्या है उद्योगों का विकास जो है वो भी कहाँ पे है वियना में अब जो है जेनेवा वाले ठीक है तो जेनेवा में आप लोगों ने डब्ल्यू वाला तो देख लिया था ये दोनों के दोनों में आप लोगों को वहाँ पर बता दिया था एक और आ गया देखिए डब्ल्यू एम वाला भी आ गया है तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा उसी इसी ट्रिक से तीन ठीक है ये आई एल ओ वाला भी है इसमें आई एल ओ है और इसके अलावा जो रेड क्रॉस है वो भी वहीं पर है तो अब इसके लिए जो फार्मूला है उसे आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है तो गेट पर क्या लग रहा है रेड क्रॉस है अब शरणार्थी हैं अब मैंने इसे एक इस तरह से भी बनाया था कि खराब मौसम था यहाँ पे एक आदमी बना दीजिए क्या इसके हाथ में क्या था एक छतरी थी इस तरह से आप लोग कर सकते हैं और ख़राब मौसम हुआ था तो उसका क्या हो गया इस बेचारे का स्वास्थ्य भी ख़राब हो गया और इसका व्यापार भी स्वास्थ्य भी खराब हो गया और इसका व्यापार भी खराब हो गया अब जब ये सारी चीज़ें खराब हो गई तो उसने अपने गेट पर क्या कर लिया एक रेड क्रॉस लगा दिया तो इस पिक्चर से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है जेनेवा के हैं सारे के सारे ठीक है तो ये आप लोग कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पर एक तो हो गया शरणार्थी तो शरणार्थी था उसका मौसम खराब हो गया था दूसरा उसका श्रम संगठन वहीं पर है और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था उसके बाद विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू गेट वहीं पर है और रेड क्रॉस आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अगला वाला वॉशिंगटन में स्थित जो वॉशिंगटन में है कौन कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन वहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अब इसमें आप लोगों का है कि वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह के विकास विकास और पुनर्निर्माण ये और है आप लोगों का और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया वित्त लिया अब इसको एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो दूर संचार विकास और पुनर्निर्माण तो ये चीजें हैं अंतरराष्ट्रीय दूर संचार हो गया विकास संघ हो गया अंतरराष्ट्रीय एवं पुनर्निर्माण बैंक इसके अलावा मुद्रा कोष हो गया आपका और वित्त जो है वो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आप लोगों को याद हो गया होगा बाकी ये जो चीजें थी ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अब जो जितनी भी अगर दस मिनट की वीडियो आप लोगों को मिलती है तो कम से कम दस मिनट उसमें उन्हीं चीज़ों को रिपीटिशन कीजिए उन उसी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए जो मुझे मैंने आप लोगों को बताई है कभी कभी क्या होता है कि बीच में आप लोगों के माइंड में भी कोई चीज़ आ जाएगी कि चलिए इसको मैं मैं इस तरह से इसे मॉडिफ़ाई कर लेता हूँ इस ट्रिक को तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ट्रिक को यूज करें कि जो मैंने यूज की है आप लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर आप लोगों को मेरे कही हुई चीज़ें अगर याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो अगर आपको आप लोगों को लगता है कि कहीं पर मुझे कोई चीज़ चेंज कर लेनी चाहिए या कोई चीज़ स्ट्राइक करती है दिमाग को तो उसी चीज़ को तुरंत उस टाइम नोट कर लीजिए क्योंकि वो चीज़ बाद में आप लोगों को चीज़ों को रिकॉल करने में बहुत मदद करती है तो ख़ुद की भी कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए और स्टडी को इन्जॉय भी कीजिए बस स्ट्रेस लेने से फ़ायदा नहीं होगा कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ को इंजॉय भी करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद होने लग जाती हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय